सामने का मैं आपका दोस्त माहौल। आज मैं बताऊँ कैसे बना सकते हैं यहाँ ब्रेक लाइट। मैं आज आपको बताऊँ कैसे बिल्कुल एकदम घर के अंदर जो इजीली सामान अवेलेबल होता है ना, उससे ही मैं आज आपको बताऊँ कैसे बना सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये है लाइटिंग बॉल आती हो, जो ऐसे ऐसे घुमाते हो लाइट चलती है। और ये है हमारे पास बैटरी और छह सीजर, देख सकते हैं वायर है। मेरे पास वायर नहीं था इसलिए मैं, दीवारी की लाइट थी वो ख़राब हो गई थी, उसके अंदर से वायर निकाल लिया। अब आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये देख सकते हैं मेरे पास है डबल साइड टेप चाहिए आपको। और आपके पास एलईडी बल्ब ना हो तो आप ले सकते हैं मैक्सो, इसके अंदर से ना इस जगह इसको खोल के इसके अंदर एलईडी बल्ब निकलता है। और आपको चाहिए ऐसा मेटल का वायर, आपको ये कहाँ से मिलेगा मैं ये बताता हूँ, आपको ये कहीं से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप कर सकते हैं ये देख सकते हैं झाड़ू, ये झाड़ू के अंदर ही मेटल का वायर है, आप ये इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। बस चलिए ये मैक्सो मस्कट अपलेन, मैं आपको इसको खोल के इसके अंदर से एलईडी बल्ब निकाल कर बताऊँगा, देख सकते हैं। बस इसके अंदर एक ही स्क्रू है और ये आसानी से जल्दी खुल गया। देख सकते हैं खुल गया और ये देख सकते हैं ये एलईडी बल्ब निकल गया। हमें वायर काटना है बस, ये निकल गया एलईडी बल्ब, अब हमें काटना है बस ये एलईडी बल्ब निकाल लेना है हमें, ये निकल गया एलईडी बल्ब। और इसको हम साइकिल की ब्रेक लाइट में हम काम में ले लेंगे, ये वाइट एलईडी बल्ब है, अच्छा रोशनी ब्राइट है। अंदर एलईडी बल्ब लगाएंगे, देख सकते हैं ये मैक्सो के अंदर वो मॉस्किटो आता है ना, उसके अंदर से हमने ये एलईडी बल्ब निकाला। अब हम इसके अंदर पहले वायर जोड़ देंगे, देख सकते हैं ये वाला पॉजिटिव है, पहले आप टेस्ट कर ले कौन सा है इसके अंदर पॉजिटिव है। मैंने टेस्ट कर लिया था कौन सा, ये वाला है इसका पॉजिटिव साइड, इसलिए मैं रेड वाला वायर जोड़ रहा हूँ। और हाँ, और मेरे पास एक ब्लू वायर, ये है नेगेटिव वाला वायर ये। अब मैं इस वाले वायर को हम इस वाले नेगेटिव बल्ब वाले वायर से हम कनेक्ट कर देंगे, फिर इसको मैं आपको चुपका के बताऊँगा। इसका ग्लू स्टिक लगा के इसको हमने कवर कर दिया है। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करके यूँ फोल्ड कर दूँगा, ग्लू स्टिक यहाँ पर यूँ लगा दूँगा बस। तो मैंने हॉट ग्लू से लगा दी है, आप पीछे भी देख सकते हैं, और ये वायर निकल गए हैं। और यहाँ पर मैं टेप लगा दूँगा, ये देख सकते हैं ये है मेरे पास ये टेप, और ये वाली ब्लैक टेप लगा दूँगा। अब मैं आपको इसका एलईडी बल्ब टेस्ट करके बताता हूँ, इससे बैटरी से मैं आपको एलईडी बल्ब टेस्ट करके बता रहा हूँ, ये देख सकते हैं ग्लो कर रहा है अच्छी तरह, लोग देख सकते हैं बढ़िया एकदम अच्छी तरह, मैंने टेप से रैप कर दिया है, बिल्कुल एकदम बढ़िया दिख रहा है, देख सकते हैं आप यार ब्लैक टेप देख सकते हैं मेरे हाथ में। और इसको हमके इसके नीचे नीचे से निकालना है, बिल्कुल एकदम यहाँ से यूँ करके आगे तक लेना है, सीट तक हमें यहाँ पे टेप लगानी है। इसके ये ना पाइप है ना ये लोहे का, इसके नीचे से हमें ऐसे वायर निकालना है बस केयरफुली, और इसकी वायर दिखे नहीं, बिल्कुल ऐसे नीचे नीचे से लेना। ये है आ गया नीचे नीचे से वायर आ गया, देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने अच्छी तरह टेप वगैरह लगा के दिख ही नहीं रहा बिल्कुल वायर। और ये हमें लेना है यहाँ तक, इस जगह तक हमें लेना है वायर, हम बिल्कुल अच्छी तरह टेप से रैप कर देंगे जिससे किसी को पता ही ना चले। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वायर मैंने यहाँ तक ले आया है। अब मैं करना क्या है, ये ब्रेक होता है ना ब्रेक वाली ये चीज, इसको हमें खोल लें बड़े आराम से खुल जाएगा, कई बार काफ़ी जनों का टाइट होगा क्लास के अंदर खोल सकते हैं आप इसको। अब इसके आगे का मैं बताता हूँ आपको करना क्या है, इसको पूरा खोल के बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। और ये मेरे पास है पतला वाला वायर है, इसको मेरे को ऐसे बढ़िया तरीके से ऐसे करके टाइट्स ऐसे फोल्ड करना है,
इसके ऊपर ऐसे रोटेट करना है। देख सकते हैं ये रोटेट कर लिया, अब मैं ग्लास की मदद से इसको ऐसे ये बिल्कुल ऐसे टाइट कर लेना है। ये देख सकते हैं रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं मैंने ये दूसरा वाला भी इसके अंदर रेडी कर लिया है। देख सकते हैं दोनों साइड के मैंने ना ब्रेक के लगा दिया है। अब आगे बताता हूँ क्या करना है। और ये फिट हो गया है। ध्यान रहे इसको टायर के नहीं अड़ाना है, इस रिंग पे अड़ा के रखना है, नहीं तो ये अपना मैकेनिज्म काम नहीं करेगा। हमें इसको प्लायर्स की मदद से टाइट कर दूँगा। वायर तो ब्लू वाले वायर को पहले हमें इस जगह पहले दोनों पे टेप लगा देनी है, और ब्लू वाले वायर को हमें इसके नीचे से लेना है। अभी मैंने अच्छे से टेप नहीं लगाई है तो बस ऐसे ही है। अब हमने ऐसे पीछे करके अब हम इसके नीचे टेप लगाएंगे, ये करके इसके नीचे ऐसे टेप लगाएंगे। अभी ऊपर की फिनिशिंग बाकी है, ऊपर की टेप मैं अभी लगाऊँगा। ब्लू वाला वायर यहाँ पे इस वाले के ब्रेक के हमें ये वायर है ना इसके ऊपर ऐसे करके कनेक्ट कर देना है अच्छी तरह, और फिर यहाँ पे यहीं पे ऐसे करके यहाँ पे फोल्ड कर देना है। और मैं यहाँ पे ब्लैक कलर की टेप लगा दूँगा जिससे कि पता नहीं चलेगा। टेप से रैपिंग कर दी जिससे ज़्यादा पता नहीं चल पाए, इतना सा वायर तो दिखेगा और इसका कुछ नहीं कर सकते। अब ऊपर का ये है, इसका भी सेटल करेंगे। अब हम दूसरे वाले ब्रेक की तरफ जाएंगे, उस वाले ब्रेक की तरफ यानी कि ये वाला तो वायर है ना, हम इस पे इस वाले दूसरे वाले ब्रेक के ऊपर ऐसे लगा देंगे हम, और यहाँ पे भी हम फिर ब्लैक वाली टेप लगा देंगे या फिर हॉट ग्लू का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है, क्योंकि टेप तो हट जाएगी पर आप ब्रेक वगैरह चेंज करोगे जो, पर हॉट ग्लू नहीं हटेगी। अब हमें करना है वो वाला ही सिस्टम करना है बिल्कुल, ये वायर हमें नीचे से पाइप के नीचे से यूँ करके यहाँ तक ऊपर तक लाना है। अब मैं इसके ऊपर बस टेप लगानी है यहाँ तक। पूरा सिस्टम रेडी हो चुका है, और ये हमारे पास ये है नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला वायर है। अब हमें बैटरी से कनेक्ट करना है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हमें बैटरी मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये आराम से यहाँ पर इस जगह फिट हो जाएगी, ये देख सकते हैं। फिर मैं डबल साइड टेप से यहाँ पर रैप कर दूँगा, फिर इसके ऊपर ब्लैक टेप लगा दूँगा। आप चाहें तो इस सीट के नीचे भी लगा सकते हैं, पर यहाँ से वायर दिखेगा, सबसे अच्छी जगह यही है। मैं आपको इसको टेस्ट करके बता दूँगा, ये देख सकते हैं ब्रेक, अब मैं ब्रेक लगाऊंगा जैसे लाइट चलेगी, ये देख सकते हैं बिल्कुल एकदम अच्छे तरह काम कर रहा है। देख सकते हैं ब्रेक लगाऊंगा जैसे ही काम कर रही है। ये वाली कैप लगानी है यहाँ पर, ये बॉल के हमने निकाली थी जो, आप इसकी जगह कोई भी प्लास्टिक वाली बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। बस अब हमें लगानी है इस ग्लो स्टिक लगानी कर रहा था, ये देख सकते हैं अब इतना अच्छी तरह काम कर रहा है, रात के अंदर में और बढ़िया दिखता है ये बिल्कुल। लास्ट के फिनिशिंग टच बिल्कुल नीचे से भी ऐसे वायर वगैरह कुछ ही नहीं दिख रहे हैं, देख सकते हैं। तो मैंने इसको भी अच्छी तरह टेप से रैपिंग कर दिया था टेप को, देख सकते हैं इस साइड भी कुछ ही वायर वगैरह नहीं दिख रहे हैं, बढ़िया तरीके से ये मैकेनिज्म काम करेगा। अब मैं आपको रात को अंधेरे में टेस्ट कर देता हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है ये, देख सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।